सो अप्रोक्सीमेटली 15 डेज फॉर एग्जाम एंड एक डर एंड एंग्जाइटी ऐसे टाइम पे होना इज वेरी वेरी नेचुरल. मैं आपको बोल रहा हूँ डर होना अच्छा है. द मोर यू आर प्रिपेयर्ड द मोर फियरफुल यू विल बी. आपको लगेगा सर प्रिपेयर्ड है तो फिर बाद में डर किस बात का. इसी चीज का कि यार इतना अच्छा तैयारी किया है, इतना मेहनत किया है, आई होप कि यार पेपर मेरे हिसाब से आ जाए, मैं उसको प्रॉपरली परफॉर्म कर पाऊं. इवन द बिगेस्ट ऑफ द यू नो यू कैन से स्टार्स और क्रिकेटर्स, सबको जब परफॉर्म करना होता है ना, भले ही कितना भी आपने अच्छा प्रैक्टिस किया हो, दिल में एक धक धक होता है, एक एंग्जाइटी वाला फीलिंग होता है कि आई होप सब सही हो जाए. सो इफ यू आर गोइंग थ्रू दैट फेज, बी रेस्ट एश्योर्ड दैट येस यू आर ऑन द राइट ट्रैक. देयर विल बी डेज जब थोड़ा डाउन फीलिंग आएगा, लगेगा कि सब सही हो जाएगा ना, ट्रस्ट मी एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, जस्ट कीप गोइंग फॉरवर्ड. इवन इफ यू आस्क समबडी लाइक अ लेजेंड अमिताभ बच्चन, आज भी उनको अगर कोई शॉट देना है, यू विल स्टिल से दैट यस, वो एक अलग ही फीलिंग आता है मन में, बोलता है ना पेट में गुड़गुड़ होता है कि बस सब सही हो जाए. सो दैट्स प्रिटी पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. वो एक अच्छा माउंटेन ड्यू का कहावत है, उसमें उसने बोला है कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, बट देन यस वी हैव टू बी ओपन टू टेक द चैलेंज एंड आई एम श्योर यू विल डू इट राइट. सो अगर ये ऐसा कुछ फियर एंग्जाइटी हो रहा है, सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक. कैसे उसको ओवरकम करना है, थोड़ा सा अपने आप को उस टाइम के लिए बैकफुट पे रख लो एंड देन अगेन कीप स्टार्ट विद ऑल द थिंग्स गोइंग अहेड. सो आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना कि वॉट आर यू गोइंग थ्रू एंड कैसे आप उसको मैनेज कर रहे हो. सम गो फॉर अ वॉक, सम टॉक टू देयर फेवरेट पीपल, एवरीबडी हैज देयर ओन वे. बट बहुत ज्यादा उसको दिल पे मत लेना और उसकी वजह से कोई बहुत बड़ा गलत डिसीजन मत ले लेना, बिकॉज इट हैपेंस विद एवरीबडी. अगर आज मैं भी, अगर कल मेरा एक लाइव AFM का थियोरी का लेक्चर है, अब मैंने वो थियोरी कम से कम 10 बार 20 बार पढ़ाया हुआ है अलग अलग बैचेस में YouTube पे, बट इफ यू आस्क मी तो मुझे आज भी उस चीज का एक वो एक, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट. सो जब आपको अपना बेस्ट देना होता है, आप प्रिपेयर्ड होते हो, तो कहीं ना कहीं वो एक ह्यूमन यू नो थिंकिंग में फियर और एंग्जाइटी आता है. सो इफ दैट्स द केस, आई एम श्योर यू आर अ नॉर्मल पर्सन. ऑलराइट गाइस, सो बाकी स्टे काम, ईट गुड, स्लीप वेल. द मोर यू स्लीप वेल द मोर ब्रेन विल बी रिलैक्स्ड एंड काम, एंड उतना आप बेटर वे में यही फियर एंड एंग्जाइटी को ओवरकम कर पाओगे. सो दैट इज अबाउट फ्रॉम माई एंड. Alright guys, so do well, take care, do let me know in the comments what are your feelings, aap log kaise usko overcome karte ho, so that others can also know that yes, dar sabko lagta hai, gala sabka sukta hai, theek hai, pani piyenge, sprite piyenge, mountain dew piyenge, theek ho jayenge and exam achhi tarah se dekar aayenge. Hasta la vista, keep smiling.